नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, आज एक हम बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मंत्रिमंडल सचिवालय से पत्र हुआ जारी। उप मुख्यमंत्री सभी मंत्रीगण ने फिर से निर्णय लिया है। 27/3/2023 सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक उपरांत 5 बजे से विधानमंडल की बैठक के उपरांत जो भी बाद में हो, मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होने जा रही है। और देखिए, महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे डेट भी दी गई है 26 मार्च 2023, और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी अपडेट देखिए यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। वहीं देखिए, न्यूज 18 से भी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं कि शिक्षक बहाली पर बोले सीएम। सीएम ने भी खुलकर बोला है शिक्षक बहाली पर। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने काफ़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है कि शिक्षक बहाली पर सीएम की बड़ा बयान यहाँ पे सामने आया है। तो आज फिर से सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली पर खुलकर बात की है। मैं आपको इसका कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है शिक्षक बहाली पर सीएम बोले सीएम, पटना से बड़ी खबर। तो खुलकर इन्होंने बोला है, क्या कुछ बोला है ज़रा हम स्पष्ट रूप से सुनते हैं। क्योंकि जब कभी भी सीएम हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, किसी प्रकार का कोई दावा करते हैं या किसी प्रकार की कोई बातें रखते हैं, तो भाई स्पष्ट रहता है कि जल्द से जल्द बहाली खुलेगी और बहाली की प्रक्रिया खुलने में कोई देरी नहीं होगी। तो ऐसे में भी ये लगाया जा रहा है अनुमान कि भाई बहाली की प्रक्रिया जो है अब तीव्र गति से आगे बढ़ने की पूरे उम्मीद जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई लंबे अरसे से अभ्यर्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो सीएम को हम सुनते हैं एक बार कि क्या कुछ ये कह रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये आखिरकार क्या कह रहे हैं, चलिए सुनिए दोस्तों। दोस्तों, आपने सुना कि बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में हम 3 लाख शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी खबर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।